पहले गियर बॉक्स के बारे में समझा देते हैं। ये हमारे पास गियर वाली कार 1 2 3 4 रिवर्स ये सब लिखा हुआ, मतलब गियर वाली कार पे लिखा होता है, ऑटोमेटिक में प्लेन होता है और साइड में लिखा होता है R&D। ये हमारा हैंडब्रेक लगा हुआ है, खड़ी गाड़ी में लगाना है। राइट हैंड के काम पहले समझ लो, राइट हैंड से आपने राइट मिरर सेट करना है, वो वाला आपके यहाँ से आपके पीछे से दिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ से आपके दिखना चाहिए। ये हो गया राइट हैंड काम का। फिर आपने स्टीयरिंग यूज़ करना है, वो राइट हैंड से करना है। इंडिकेटर दे के दिखाओ, ऊपर कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो राइट हो जाएगा, और ऑटो कट बंद हो जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर, इसी इंडिकेटर के ऊपर क्या है, ये देखो लाइट दी है, क्या दी है, लाइट आगे जलती है, ठीक है। और जब आपको कहीं देखा होगा कि गाड़ी लाइट जलाती है तो ऐसे ऊपर उठाना होता है, ये हो गया डीपर, अंगूठा यहाँ होता है, उससे दो उंगली से ऐसे उठा देते हैं तो डीपर हो जाता है। कई गाड़ियों में लाइट जलती देखी होगी आपने, ये करके दिखाओ, गुड, ये हो गया आपका डीपर। अब लेफ्ट का काम, लेफ्ट हैंड से आपने क्या करना है, लेफ्ट मिरर सेट करना है, यहाँ से दिखना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेफ्ट मिरर सेट करेंगे, हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, कर दो नीचे, ठीक है। अब लेफ्ट पैर का काम देखो, लेफ्ट पैर आपका क्लिच दबाएगा, क्या दबाएगा, राइट पैर आपका ब्रेक और रेस, क्या करेगा, ब्रेक और रेस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्लिच दबा के रखो, इतना काम आपको करना है बंद गाड़ी में, क्या करना है, बंद गाड़ी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट, क्लिच दबा के स्टार्ट करना है, क्योंकि नई कार आप खरीदने वाले हैं तो BSS की गाड़ी है, क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट हो रही है। चाबी घुमा दो धीरे से आगे, गियर को लेफ्ट करो और आगे ढकेल दो। ये हो गया हमारा L करके गियर फर्स्ट, कौन सा हो गया, गियर फर्स्ट। नज़र सामने, जैसे आप पहले बाइक चला चुके हैं तो हल्का रेस हल्का क्लिच, राइट पैर से हल्का रेस लेंगे, हल्का क्लिच के लिए AD दबा रहेगा, पंजा हल्का सा लूज करना है आपने, करो हल्का सा लूज, थोड़ा सा और चाहिए, क्लिच हल्का सा लूज और करो लेफ्ट वाला पैर। और जैसी आपकी आधा क्लिच सेट हो जाएगी, गाड़ी आपकी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, ये आपकी 10 की रेस में धीरे धीरे चलने लग गई। लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर तीनों देखते हुए आपने अपने आप को एक्टिव रखना, रेस रखो हल्का हल्का राइट पैर से, हम साइड हो जाएंगे, एक टायर नीचे उतार लेते हैं पहले, उसके कार आने से पहले, उसने रत्ती बननी हटाई है, हमें पूरी हटा दी है, क्योंकि उसके राशन कार्ड में लिखा हुआ मैं साइड नहीं दूंगा। अब बढ़ाएंगे रेस 20 का, अभी हमारी फर्स्ट गेम चल रही है, रेस बढ़ाएंगे 20 का, बना के रखो रेस। तो मेरे सिखाने का जो मेथड है, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाता हूँ और एक ही काम को बार बार कराता हूँ, जिसमें मुझे लगता है इसमें कमज़ोर है बच्चा, ठीक है। रेस बढ़ाएंगे 20 का, बढ़ाओ रेस, अब काम सुन के काम करेंगे, रेस को छोड़ देंगे, क्लिच दबा दो नीचे और दो बार पीछे, एक और दो, गियर लगा दिया हमने सेकंड, कौन सा लगा दिया, सेकंड। रेस मेंटेन करो, सामने से गाड़ी आ रही है, अब यहाँ रेस, अब आपकी रेस रहेगी 20 और 30 के बीच में। सड़क पे आ जाओ राइट मिरर देख के, ठीक है, सड़क पे आ गए, रेस 20 और 30 के बीच में रखना है, 20 पे चल रही है, हाथ हल्का रखना है, तो अपने आप को एक्टिव रखना है, एक सोल्जर की तरह एक्टिव रखोगे तो अपने आप को राशन कार्ड में, भामाशाह कार्ड में, पासपोर्ट में, वीजा में, CIV में, सब में बने रहोगे। और थोड़े से लूज हुआ मीनाक्षी जी, अखबार में हमने नहीं जाना, क्योंकि अभी तो आपने नई कार खरीदनी है, चलते रहो इंडिकेटर ऊपर दो। गुड़िया क्या नाम है आपका, मेहर मम्मी को अच्छा सिखा, मेहर, हाँ मेहर, लहर, अच्छा लहर, ओहो तम्बाकू वाला लहर, ओह किसने रखा है नाम, चलते रहिए रेस मेंटेन करते हुए। लेयर कौन सा तम्बाकू है, क्या कहता है, चलते रहिए रेस मेंटेन करते हुए। स्टीयरिंग समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा, इधर आ जाएगा। दिन कैसा है आपका, पहला दिन है, गियर और क्लिच के बारे में समझते जा रहे हैं। रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो, एक बार आप स्टीयरिंग छोड़ दो, गाड़ी कहीं नहीं जाती है, आप ताकत देंगे तभी गाड़ी आपकी कहीं जाएगी, इसको तो हल्का सा सहारा चाहिए। लेफ्ट हैंड आपका गियर पे और राइट हैंड आपका स्टीयरिंग पे बना रहेगा, रेस मेंटेन करके चलना है। और आपके फ्लैग देखो, राइट वाला फ्लैग देखो और लेफ्ट वाला फ्लैग, दो वहाँ पर टायर है, लेफ्ट वाले को नीचे नहीं उतरने देना, तो स्टीयरिंग अपने आप समझ में आ जाएगी, राइट जा रही है कार को आ रही है, तो आप एक टायर नीचे ले लेंगे। वो भाई लोग ऐसे उड़ाते हैं, जिनको आती है वो ऐसे उड़ाते हैं, और जिनको नहीं आती है वो, और जिनको नहीं आती वो नीचे उतर के चलते हैं, चलते रहिए है। बहुत बढ़िया, अच्छा जगह मिलेगी तब हम ऊपर सड़क पर चढ़ जाएंगे, नहीं मिलेगी तब तक हम नीचे नीचे चलते रहेंगे, सीधा सीधा चलते रहो, बहुत बढ़िया। तो लग रहा है मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूँगा सर, गुड।
चलते रहिए। कॉन्फिडेंस खुद से पहले दिन ही आ जाता है। तेरे जो भाई साहब की दुकान पर नहीं मिलता है ये कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। गुड, चलते रहो सीधा। थोड़ा सा इंजन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम राइडर की तरफ। ये होता है राइडर। जब भी आप सर्विस कराओगे आर्था से कनूटर करवाते हैं तो उस टाइम आप राइडर पानी क्लीन करवाना है राइडर को, उसके बाद इसमें डलवाना है और एक बॉक्स यहाँ होता है उसमें बना के रखना है। ठीक है, राइडर हो गया। उसके बाद ये बैटरी, अगर बैटरी के तार लूज हैं, आपके बैटरी के तार लूज हैं तो बैटरी जंग खाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको टर्मिनल खोलना है, ग्रीस लगवाना है और टाइट कर देना। अगर गाड़ी आप एक डेढ़ महीने के लिए, दो तीन महीने के लिए खड़ा कर रहे हो तो ये टर्मिनल खोल कर रख देना, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने इंजन ऑयल हमेशा चेंज करवाना सर्विस के दौरान, और उसी दौरान आपने फिल्टर चेंज करवाना है। ठीक है, वैसे मिस्त्री कर ही देते हैं, आप भी ध्यान रखो। यहाँ पर अपना ऑयल चेक करो, जैसे मैंने आपको सिखाया, निकालो गेज को बाहर और ऑयल कितना होता है दिखाओ, उसमें कैमरे में नीचे रखो। कितना पॉइंट बताया मैंने आपको, पॉइंट दिखाओ, कहाँ है पॉइंट, दूसरा दूसरा पॉइंट। ऑयल की मात्रा कैसे चेक करेंगे, रेड होना चाहिए ना? हाँ, चिकना रेड होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक होल कहाँ पे, जो कहाँ पे चेक करते हैं, ब्रेक होल बॉक्स है, ब्रेक देखते रहो आपकी, नहीं तो ब्रेक में दिक्कत आएंगी। यहाँ पे फिल्टर बॉक्स है, कई गाड़ियों में यहाँ पे होता है, कईयों में यहाँ पे होता है, तो आप देख लो फिल्टर बॉक्स का है, मिस्त्री से सीख लो, जब सर्विस कराने जाते हैं देखते रहो खड़े खड़े। कंडीशन ख़राब है अगर एयर फिल्टर की तो चेंज करा लो, अन्यथा साफ करा के वापस लगवा लो। यहाँ पे वाइपर पानी शीशे साफ करने के लिए, यहाँ पे कुछ बेल्टें होती हैं, बेल्ट की क्वालिटी चेक करवा लो मिस्त्री से। ठीक है, ये खुद नहीं समझ आया हमें, उनसे समझना है। यहाँ पे आपके स्पार्क दिए हुए, ये तीन दिए हुए हैं ना, तीन तार स्पार्क के लिए गए हुए हैं, ये 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं। ठीक है, 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल को फ्लैश करवाओ, पूरा क्लीन करवा के फिर 20,000 किलोमीटर को आपने अपना फिर नया एकदम फ्रेश ऑयल। वैसे 10,000 किलोमीटर सर्विस कराते हैं, तीन सर्विस कंपनी देती है। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है, फ़ैन की तरफ कभी हाथ नहीं डालना है, यहाँ पर खतरा लिखा हुआ है कि ये बंद कार में भी चल सकता है। फ़ैन आपका बंद कार में चल सकता है, और रेटर को कभी गर्म है, अभी देखो अभी चल के आई गाड़ी, हाथ लगाओ, हाँ जी, खोलते नहीं है, कुकर की तरह आपका फेस जला देगा। जब गर्म कुकर है, हाँ जी, और चावल बॉयल किया और आपने खोल दिया तो सारे चावल बाहर है ना, सेम गैस में भी है। इतना मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, तीन सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद 8,000 किलोमीटर के बाद आप सर्विस कराते रहो, और कोई अच्छा सा मिस्त्री सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अभी हम बोनट बंद करते हैं, चलते हैं गाड़ी की तरफ। टर्न के बारे में सीखना, तो हमने जाना भी राइट, जाना राइट है, गाड़ी को रखो लेफ्ट, लेफ्ट रखते हुए जब हमारा राइट मेरे का और दीवार का कॉर्नर आ जाएगा तब हमने राइट में घुमाना है, और 20 सेंटर देख के हमने अपने रोड के लेफ्ट पकड़ लेना है, कि हर रोड का आपको लेफ्ट ही पकड़ना है। अगेन फिर राइट जा रहे हैं, फिर समझ लो राइट कॉर्नर देख के घुमाते आओ, और बोनट रोक के देखना है, अगेन फिर लेफ्ट करते आओ, और चलना हमने लेफ्ट ही है। आगे से करवाऊंगा आपको मैं लेफ्ट की प्रैक्टिस, तो वो उसके लिए करते हम छोटा मोड, राइट के लिए बड़ा मोड, लेफ्ट के लिए छोटा मोड। तो अब हम लेफ्ट मोड कॉर्नर के बारे में समझेंगे। तो लेफ्ट अपना बोनट का किनारा देखते हुए, लेफ्ट दीवार का किनारा देखते हुए 1 फुट दूर छोड़ते हुए छोटा मोड करना है, और जब ये बोनट आपका लगे नीचे उतरने वाला तभी हमने गाड़ी को सीधा कर लेना है, और चलना हमने लेफ्ट ही लेफ्ट है। अगेन वापस फिर देख लो, लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे। अब लेफ्ट मोड पे क्या, थोड़ा सा एक पोल खड़ा हुआ है उससे 1 फुट दूर रखना है, और छोटा मोड बनाएंगे, नीचे कर लेंगे क्लिच ब्रेक कर लेते हैं हम। हर गियर में, हर मोड पे आप क्लिच ब्रेक करना है, नो पकड़ के रखते हुए छोटा मोड देखते हो, बोनट किनारा देखो, घुमा दो, और उस बोनट को लेके आना पूरा लेफ्ट, जब लगे आप सड़क से नीचे उतरने वाले हो तभी आपने हाथ सीधा कर लेना है। अगेन एक बार फिर देख लो, अपना बोनट देखना है, लेफ्ट किनारा और लेफ्ट मोड देखना है, और छोटा मोड करते आओ, और करते आओ, ये हो गया छोटा मोड। जैसी लगे कि ये लेफ्ट में नीचे उतरने वाला है वैसे आपने हाथ सीधा कर लेना है, ये हो गया लेफ्ट के लिए। ठीक है, गुड। गैस मेंटेन करते हुए डिवाइडर की तरफ चलेंगे अभी। ठीक है, अब हमारी क्या, ये राइट साइड हमारी तो कवर होगी, इस व्हाइट पट्टी पे आपका फ्लैग आ रहा है, उसके उधर नहीं जाना, राइट में नहीं जाना है। सामने ब्रेकर, हल्की क्लिच ब्रेक, गुड, ब्रेकर देखना बंद, ब्रेक छोड़ देंगे, हल्का हल्का रेस लेंगे। अब आपका काम क्या बनेगा, लेफ्ट मिरर, सेंटर,
ज़्यादा देखेंगे और राइट मिरर कम देखेंगे, क्योंकि राइट तो हमारा कवर कर रखा है। और अब हम दोनों साइड से सेफ हैं, एक तो राइट से सेफ हैं और लेफ्ट से जो हमें पीछे से ओवरटेक कर रहा है वो हमसे एक फुट दूर, दो फुट दूर होके ओवरटेक करेगा आपको। आपने आगे वाले की चिंता करनी है, आगे वाले की चिंता कैसे करनी है, 100 फुट दूर देखो, 50 लेफ्ट देखो, 50 राइट देखो, राइट से कौन सड़क क्रॉस करेगा, लेफ्ट से कौन सड़क क्रॉस करेगा, जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है इतनी दूर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो ऑटो ने ओवरटेक किया आपको, 2 फुट छोड़ के आपको ओवरटेक किया, तो आपने पीछे वाले चिंता नहीं करना, बस नज़र रखनी है कि आपके सेंटर में कौन चल रहा है, ठीक है। हाथ हल्का रखना है, दूरी मेंटेन करना है, फर्स्ट गियर है 10 कदम पीछे, सेकंड गियर है 20 कदम पीछे, ठीक है। हॉर्न देके चलो, फर्स्ट गियर चल रहा है तो 0 से 20 की रेस, सेकंड गियर है से 20 से 30 की रेस। ब्रेकर पर भी सेम काम, अगर 10 फर्स्ट गियर में हो तो 10 कदम पहले स्लो करते हैं, सेकंड गियर है तो 20 कदम पहले स्लो करते हैं, थर्ड गियर लग गया तो 50 कदम पहले से धीरे स्लो कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से गियर भी चेंज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलते रहो, दूरी मेंटेन कर। सेकंड में हम चल ही रहे हैं, रेस हमने अब 30 का बनाना है, और कैसी रेस 30 की बन जाएगी, थोड़ा सा प्लस करो, रेस को छोड़ के क्लच दबाना, दबा दो, हल्का से न्यूट्रल करो और सीधा सीधे 2 बार आगे, एक बार और, ये हो गया थर्ड गियर, कौन सा हो गया, रेस मेंटेन करते हुए लेफ्ट मिरर और सेंटर, राइट मिरर ज़्यादा देख कम देखेंगे, दोनों मिरर ज़्यादा देखने आपने, हाथ हल्का रखना है, और सेकंड गियर थर्ड गियर में आप चल रहे हैं, जैसे मौका मिलेगा फोर्थ का तो फोर्थ लगा लेंगे। अब हम डिवाइडर के साथ चल रहे हैं तो राइट तो हमारा कवर ही है, लेफ्ट इसलिए कवर है कि जो भी हमें ओवरटेक कर रहा है एक फुट दूर रह के कर रहा है, देखो ये कार ओवरटेक कर रही है, एक फुट दूर होके गई है, उस हिसाब से हमारी आगे वाले की हमें ध्यान रखना है, ब्रेक रखो रेस, आगे वाले की चिंता करनी है, 100 फुट दूर देखो, बस भी हमसे 1 फुट दूर होके जा रही है, जान दो उसको, जान दो, चिंता करनी हमने आगे वाले के लिए, ओवरटेक करेगी गाड़ी हमारे सामने आएगी इसलिए हमने स्लो कर ली, रेस मेंटेन करते हुए सामने वाली गाड़ी से दूरी रखते हुए चलते रहो। ये भी एक सेफ ड्राइविंग होते कि हम किसी गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहेंगे, बीच बीच मोरन देते रहेंगे, बहुत बढ़िया, लेफ्ट देखते रहो, सेंटर देखो, राइट थोड़ा कम देखेंगे, बस उधर चलेगी, हम सीधा चलते रहेंगे थर्ड गियर में, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको थर्ड गियर तक जाने में, अब वेट कर रहे हम चौथे गियर लगाने का, ठीक है, मौका मिला तो चौथा लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे, हॉर्न देके चलो, बना कर रखो रेस, रेस बढ़ाएंगे 40 का, करो थोड़ा सा तेज, 40 की रेस होने वाली है, गुड। अब काम देख लो, क्लिच नीचे करना है, 2 बार पीछे करो, 1 और 2, रेस मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते हुए, ये पहुंच गए हम चौथे गियर में, थर्ड से चौथा गियर लगाना सबसे सिंपल गियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक जाने में, पहला दिन आप देख लो और आज देख लो, बहुत बढ़िया, बस यही काम करना है आपकी गाड़ी में, रेस बढ़ेंगे तो गियर बढ़ेंगे, रेस कम होंगे तो गियर कम हो जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पोजिशन में आते हैं, गियर की पोजिशन में वाली, रेस बढ़ाएंगे धीरे धीरे, 30 का होने वाली है, फिर दबाएंगे क्लिच, क्या दबाएंगे, क्लिच दबाओ नीचे और गियर थर्ड लगाओ आगे, 2 बार आगे करो, रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो, बाप रेस बढ़ाओ, थर्ड में चलना है आराम से, डिवाइडर पकड़ रखा है, चौथा का मौका मिला तो लगाएंगे, नहीं मौका मिला तो नहीं लगाएंगे, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर, चार चीज़ें तुम्हारी बन गई है, 2 बार पीछे करो क्लिच नीचे, सीधा सीधा, 1 और 2, रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो, सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन रखो, कभी गाड़ी नहीं ठुकेगी, आप ज़्यादा पास जा रहे हैं स्लो करते जाएंगे, गियर डाउन करते जाएंगे, पर आप ज़्यादा सामने वाली गाड़ी के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इसी रोड पर, सब्जी मंडी रोड है, पोगल फाटा है, खाली पड़ा रोड लेके चलते रहो, चौथे गियर में चला रहे हैं, आप जब गाड़ी स्टार्ट करी तो आपने क्या कहा था, पोगल रोड पर कैसे चला सकते चौथे गियर में, चला रहे हो आप तो मौका बताता है कब चौका लगेगा, चलते रहो, बहुत बढ़िया, ये काम करना है आपने। डिवाइडर पर चढ़ रहे हैं अभी तो हम, सेकेंड गियर में है, मौका मिलेगा थर्ड गियर लगा लेंगे, उसके लिए 30 की रेस चाहिए, 30 की रेस हो गई है, क्लच दबाएंगे नीचे और 2 बार आगे करो, 1 2, रेस मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते हुए थर्ड गियर में चल रहे हैं, अगर मौका मिला हूँ चौथा गियर लगाने का तो उसके लिए हमें 40 की रेस देखनी है। अब आपने क्या करना, लेफ्ट मिरर, सेंटर, ये तो आपने ज़्यादा देखना है,
सामने वाली से गाड़ी से दूरी मेंटेन करना है, जैसे आपकी 40 की रेस बनेगी, बनने वाली है, ठीक है। क्लिच नीचे करेंगे, दो बार पीछे, एक दो, रेस मेंटेन करो, हाथ हल्के रखो, आप अपनी साइड नहीं छोड़ेंगे, हाथ हल्का रखेंगे। पहला दिन याद है आपको, आज देख लो आप, अब बस आपको अभ्यास की जरूरत है। बहुत बढ़िया, 50 की रेस बना के चल रहे हैं। पहला दिन वो था कि 5-10 की रेस लेके चल रहे थे, वो समझ में भी नहीं आ रहा था, है ना। हाथ हल्का रखते हुए, दूरी मेंटेन करते हुए सीधे सीधे चलते रहो, जहाँ तक हम चल सकते हैं वहाँ तक हम चलते जाएंगे। माहौल के हिसाब से हमने गियर यूज़ करना है, गियर के हिसाब से हमने रेस मेंटेन करना है। दूर दूर चलते रहो उसके पीछे पीछे, ज़्यादा पास नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड, बैलेंस भी बढ़िया आ रहा है। दोबारा के पास हम चल रहे हैं, चलते रहिए,